हाँ वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो व्यूअर्स, ये जो सीरीज वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें असेंबली क्रिएट की थी और बाद में हमने इस पर मार्क पॉइंट लगाए थे। तो अभी जो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये डाटा जिन्होंने मुझे भेजा था उनकी कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह से है, जैसे आप सेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरिया है जो उनको होल्ड करना है, ठीक है, कटिंग का एरिया है, एक्सीलरेशन का एरिया है जो उनको होल्ड करना है। ठीक है, तो वो ये चाह रहे हैं कि उनका होल्ड एरिया भी आ जाए और उनका जो वर्किंग जो उन्होंने करनी है उसका भी सेपरेट सेपरेट एरिया आ जाए उनके पास। तो लास्ट वीडियो में जो हमने असेंबली क्रिएट की थी वो ये असेंबली है, ठीक है, और ये सीरीज जो चली थी वो ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजिंग थी उससे चली थी। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सेक्शन भेजा था उन्होंने, उसके बाद ये उनके कट फिल स्लोप थे जो उन्होंने मुझे ये पिक्चर भेजी थी, तो यही हमने क्रिएट की थी। ठीक है, कि यहाँ पे उनका ये डिच है, इसकी कोई डायमेंशन गिवन नहीं थी। उसके बाद ये 8 मीटर का उनका बेंच था और इसमें जो स्लोप थी वो वर्टिकल 4 है और हॉरिजॉन्टल 1 है, बर्म 3 मीटर का था। तो पहली जो वीडियोज़ आ चुकी हैं उनको देखने बाद उन्होंने कुछ वर्किंग की है, ठीक है, और ये उनका वो एरिया था जहाँ पे उनको एक्सवेशन होल्ड करनी है। तो उन्होंने इसको कुछ ट्राई किया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस हुए हैं उनको, तो उन्होंने ये पिक्चर भेजी थी मुझे कि उनका जो केस है उसमें उन्हें ऐसे ये वाला जो एरिया है सेपरेट हैच में शो करना है, ठीक है, और ये उनका एरिया होल्ड है, होल्ड करना है उन्होंने और बाकी पे उन्होंने काम करना है। ये उन्होंने कमेंट में भी पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस असम्बली के इनसाइड में डे लाइट जो है वो 45 मीटर FRT तक जो है इसको कुछ डे लाइट उन्होंने ऐड करना है, यानी कि उन्होंने एरिया होल्ड करना है, तो डे लाइट यूज़ करेंगे तो ही होगा। तो इस वीडियो में जो है हम इसके लिए कैसे ये वाली असेंबली क्रिएट कर सकते हैं और इससे जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो जो मैंने सेक्शन आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है, वो रिजल्ट कैसे आएगा वो असेंबली हम आज क्रिएट करेंगे। ये वाला सेक्शन जो है ये कैसे बनेगा इसके लिए हम मल्टीपल असेंबली जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये असेंबली ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है, ठीक है, इसी असेंबली की हम जस्ट कॉपी बनाएंगे, ठीक है, और जब हम इस पर कॉरिडोर बनाएंगे हम सिंगल असेंबली से भी बनाएंगे इसको एज इट इज, जिसमें होल्ड एरिया नहीं होगा, और हम मल्टीपल असेंबली से भी इसको बनाएंगे जिसमें होल्ड एरिया भी होगा। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं इस मार्कर से इस असेंबली को सेलेक्ट करता हूँ और मैं जस्ट इसको कॉपी कमांड देता हूँ, ओके 1 2 3, इसकी मैंने 3 कापियाँ बना ली हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ अभी। ठीक है, पहले तो मैं इनका नाम दे देता हूँ, एक रीजनेबल नेम जो है। ठीक है, इस असेंबली को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इस असेंबली को प्रॉपर्टी में से जाके मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ। अभी ये जो हमारी असेंबली होगी ये हमारी जो लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट है ये सिर्फ उनके लिए यूज़ होगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारी GMT है, GMT है और HSR है और हमारी बेस लाइन है, ओके। तो ये जो है हमारी असेंबली है वो इसके लिए यूज़ होगी। ठीक है, इसमें हमने क्या मॉडिफिकेशन करनी है वो अब हम ये अभी से हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये जो रेफरेंस है 10 मीटर का, पहले मैंने इसको FRT के साथ लगाया था, अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ और इसको मैं
यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो डे लाइट है, ठीक है, ये डे लाइट जो है, ये डे लाइट अभी हम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, एक असेंबली हमारी बन गई है, ठीक है, ठीक हो गया। ये मार्कर एज इट इज रहने देंगे हम, कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या है, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो दोबारा से बनाने के लिए फिर टाइम लगेगा। मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में हमें कोई इसमें प्रॉब्लम पर ना आए, ठीक है। तो मैं असेंबली में जाता हूँ, क्रिएट असेंबली, ओके, GMT2 रेफरेंस लाइन, ओके, ठीक हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें मैं ऑफसेट लगा देता हूँ, ऑफसेट असेंबली। ऑफसेट हमारे पास कितने हैं, दो ही है, दो ऑफसेट है हमारे पास, ठीक है। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर से, ताकि हमारी जो कोडिंग है वो एज इट इज आ जाए इसमें, ठीक है। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमने लास्ट वर्किंग की थी उसमें जो हमने कोडिंग वगैरह की थी, ठीक है, वो एज इट इज इसमें आ जाए। ओके, तो ये असेंबली हमारी बन गई है, फर्स्ट जो है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। ओके, ये आप इसको अलाइन करें ना करें एक ही बात है, ये जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेहतर बनाने के लिए इसको मैंने किया था, अलाइन किया था। आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी ऑफसेट दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जब अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं न्यू असेंबली फिर क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, क्रिएट न्यू असेंबली, इसका जो मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी सेकंड असेंबली है, ठीक है। और ये बेस लाइन से रेफरेंस फ्रॉम रेफरेंस लाइन टू 45 मीटर, ओके तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ओके। इसमें मुझे एक ही मार्कर चाहिए, ठीक है, असेंबली ऑफसेट, ओके। इस असेंबली का मैं ऑफसेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हमारा जो ऑफसेट है, ये तकरीबन हमारा 45 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप इसको ऑफसेट ना भी करना चाहें तो ये फिर भी बन जाएगा। मैं आप लोगों को बगैर इस मार्कर के बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों के साथ मैं एक और ऑप्शन शेयर करता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास असेंबली है, ठीक है, ये वाली जो असेंबली है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, ओके, ठीक हो गया। क्योंकि जो हमारी बेस लाइन है, ठीक है, उस पे हमने जो प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग FRT का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, FRT, और जो ये जो राइट साइड का मार्कर हमने क्रिएट किया है, ठीक है, ये बाद में इसलिए मार्कर में
मार्कर जब आप क्रिएट करेंगे तो उससे आपको सेटिंग आउट का डाटा जो है वो इजीली मिल जाएगा इस सेंट्रल लाइन का। ठीक है, तो इस ऐसे आप कैसे ले सकते हैं ये डाटा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये वाला जो मार्कर है ये हमारे बेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, अभी ये FRT। ठीक है, अभी हमें इससे 45 मीटर जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है अगर आप इधर देखें तो उनको सेंटर लाइन से FRT का 45 मीटर जो एरिया है वो स्किप करना है उनको एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं इसको 45 मीटर कर देता हूँ, 45 मीटर, और इसके पैरामीटर में भी हमने इसको 45 मीटर करना है। ओके, और यहाँ पे जो है ये जो लिंक है ये हमें असेंबली में सेक्शन में नहीं चाहिए तो इसको हमने हाइड कर देना है। हाइड कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है ओमिट लिंक, और ये जो नो लिखा है इसको हमने यहाँ पे यस कर देना है। ओके, और ओके, मैं इसको एक दफा अंडू करता हूँ। ये वाला जो लिंक है इसकी असेंबली की मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इसको 45 मीटर किया। ओके, पैरामीटर 45 मीटर। ओके, अप्लाई। ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी ये जो प्रॉपर्टी है पैरामीटर, और इसको मैंने यस कर दिया, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक गैप क्रिएट हो गया है 45 मीटर का। ठीक है, तो ये जो गैप है एक्चुअली में ये वाला जो लिंक है ये यहाँ पे ही आके वर्किंग करेगा मगर सेक्शन में ये गैप क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये जो गैप है सेक्शन में ये गैप शो होगा 45 मीटर का। ओके, यही चीज़ हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी हमारी एक लास्ट असेंबली बाकी है। ठीक है, वो लास्ट असेंबली क्या है, जो हमारा एक्सेवेशन होल्ड का एरिया है उसके लिए हमने एक असेंबली बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक असेंबली बनाता हूँ, क्रिएट असेंबली। ओके, होल्ड एरिया। ओके, होल्ड एरिया, इसके साथ हमें मार्कर रिक्वायर्ड है, ऑफसेट मार्कर लगाएंगे इसमें। ओके, अभी यहाँ पे जो है हमने अपने लिंक लगाने हैं जो कि FRT को रिप्रेजेंट करेंगे 22.5 22.5। तो उसके लिए ये दो लिंक हैं। ठीक है, मैं इनको कॉपी करता हूँ, ये सिंगल सिंगल ही होंगे क्योंकि ये बोथ साइड में है। कॉपी, ओके, कॉपी। तो ये हमारी असेंबली जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम इस पे कोड सेट स्टाइल लगाएंगे। ठीक है, इनके लेबल लगाएंगे और उसके बाद हम जो है इसका फर्दर जो है कॉरिडोर और वॉल्यूम कैलकुलेशन आने वाली वीडियो में देखेंगे और इसकी रिपोर्ट्स वगैरह सेटिंग के लिए। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम रिपोर्ट वगैरह जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।